हेलो यूट्यूब के दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इशू थी दोस्तों, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं ला सके। पर आज हम आपके लिए नए वीडियो लेकर हाजिर है दोस्तों। आज हम दोस्तों कोई रेसिपी नहीं पाएंगे, आज हम एक ऐसी चीज़ आपको सिखाएंगे और बताएंगे जिससे हमारे घर की सभी नेगेटिविटीज़ बाहर चली जाएगी और घर में खुशहाली और खुशियां ही रहेगी दोस्तों। आज हम एक धूप बनाएंगे दोस्तों, जो हम हमारे घर में सुबह शाम ज़रूर देते हैं धूप। आइए, एक होती है दोस्तों अगरबत्ती और एक होती है इस तरह की, ये देख सकते हैं दोस्तों। धूप बनाने के लिए आज हम घर पर ही बनाएंगे और ये चीज़ें इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी होती है दोस्तों कि इससे जो हमारी घर की नेगेटिविटी होती है वो सभी निकल जाती है दोस्तों। एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए आइए वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक गोबर का उपला दोस्तों, जिसे हम कंडा भी कहते हैं, गोबर का उपला भी कहते हैं। पंजाब में दोस्तों इसे पाथी कहते हैं। इसे उपले को मैंने तोड़कर बारीक करके ये देखिए पीस कर रख लिया दोस्तों। इसमें मैंने एक गोबर का उपला लिया। यहाँ पर हमें चाहिए देसी घी, आपने शुद्ध देसी घी ही लेनी है दोस्तों। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच शुद्ध देसी घी लिए दोस्तों। और यहाँ पर हमें चाहिए 4 बड़ी इलायची, इसे मैंने दाने को पीस लिया। और इसके जो छिलके हैं दोस्तों इसे भी मैंने रख लिया, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए 4 छोटी इलायची और इसके भी बीज मैंने निकाल कर पीस कर रख लिया। दरदरा ही पीसना दोस्तों, आपने इसे ज़्यादा फाइन नहीं पीसना। और ये देखिए, इसे आपने मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसना दोस्तों, आपने कोई पत्थर ले लीजिएगा उसमें पीसकर इसे रेडी कर लीजिएगा। क्योंकि मिक्सी में हम लहसुन प्याज पीसते हैं, इसलिए आपने इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसना क्योंकि ये शुद्ध होता दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमें चाहिए 10 लौंग, जिसे मैंने दरदरा पीस कर रख लिया। यहाँ पर हमें चाहिए 2 से 3 टुकड़ी कपूर की, इसे भी मैंने दरदरा पीस कर रख लिया दोस्तों। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ी सी लोबान और यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ी सी गुगल, जो हम रोज़ सुबह शाम हमारे घर पे धूप बत्ती देते हैं दोस्तों, ये वही वाली गुगल है दोस्तों। अब हम सभी चीज़ों को एक मिक्स करेंगे एक बड़े से बर्तन में। और इस तरीके का एक हमें डब्बा चाहिए, इसमें हम ये धूप बनाकर रख लेंगे और रोज़ हम थोड़ी थोड़ी लेकर अपने घर में देते रहेंगे दोस्तों। इससे खुशहाली शांति आती है दोस्तों और नेगेटिविटी सभी चली जाती है। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे हम, एक बड़े से बर्तन को मैंने अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रख लिया दोस्तों। इसमें हम जो उपला था गोबर का वो डालेंगे। एक बार मेरे कहने पे दोस्तों इस तरीके का घर पर धूप बनाकर देखिए, आपको अपने आप ही फील होगा कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ गई है और खुशहाली आ गई है दोस्तों। जो हम बाहर से अगरबत्ती लाते हैं और धूप दीप देते हैं उससे वो चीज़ नहीं होती जो दोस्तों शुद्ध हम घर पर इस तरीके का बनाकर अगर दिया बत्ती करेंगे तो हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशहाली आती है। अभी हम सभी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। अब हम सभी चीज़ों को इसमें उपले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, गोबर के उपले को आपने अच्छी तरह से बारीक करना। अगर आपने थोड़ा सा मोटा रख लिया तो आपकी जो धूप बनेगी
वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी, इसलिए आपने गोबर के उपले को अच्छी तरह से पीस कर छोटा छोटा कर लेना। बहुत ही खुशबूदार, अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाती है दोस्तों, इसकी इतनी सुगंध अच्छी होती है। अब हम इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी ना हो तो दोस्तों भैंस का भी ले सकते हैं, बस शुद्ध होना चाहिए। मैं दोस्तों हर रोज इसी तरीके का हम धूप बना कर रख लेते हैं और रोज हम इसी का ही दिया और धूप अगरबत्ती देते लगाते हैं। हम बाहर से लाकर अगरबत्ती नहीं लगाते, हम इसी तरीके का घर पर ही धूप बनाकर जलाते हैं और दिया बत्ती करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मेरे प्यारी बहनों को भी ये चीज बताई जाए और वो भी इस चीज का फायदा ले सके, तो इसलिए मैंने दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया खास तौर पर। ये देखिए इसमें घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका और इसे बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। इसे एक बार बनाकर जरूर दीजिएगा दोस्तों, धूप बत्ती अपने आप ही आपको फील होगा कि अच्छी वाइब्रेशन आने लग गई दोस्तों आपके घर में। ये देखिए घी की और गोबर के उपले की दोस्तों क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा बनाकर रख लीजिएगा, अगर आपके पास थोड़ा हो तो थोड़ा बनाकर रख लीजिएगा दोस्तों, और बाद में आपको फिर से ज़रूरत हो तो तब फिर बना लीजिएगा। हम बाहर से भी धूप लाने जाते हैं दोस्तों तो बहुत ही महंगी पड़ती है और वो चीज़ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती दोस्तों, कितनी केमिकल से भरी होती है। इसलिए आप भी इसी तरीके से घर पर ही धूप बनाइए और लगाइए और अपने प्रभु को खुश कीजिए दोस्तों, अपने परमात्मा को भगवान को खुश कीजिए। आइए अब इन्हें हम डब्बे में भर कर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरा डब्बा बिल्कुल स्वच्छ तरीके से धोकर वॉश करके मैंने सुखा कर रख लिया। आइए अब इसमें हम धूप भर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों हमारा धूप बन के रेडी है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर एयर टाइट कंटेनर में इसे अच्छी तरह से ढक्कन लगाएंगे, ये देखिए, और इसे एक स्वच्छ था जगह पर रख देंगे। चाहे आप इन्हें मंदिर में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप कोई स्वच्छ जगह होगी जहाँ पर आप कोई भी जूठा बर्तन वगैरह ना रखते हो वहाँ पर भी इन्हें रख सकते हैं। और शाम सुबह आप इस जो हमने अभी धूप बनाया इसे आप एक एक चम्मच लीजिए और लोहे के बर्तन में रखकर आप घर पे दिया दीजिएगा दोस्तों, और अपने आप ही पॉजिटिविटी आएगी और घर की जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी वो इस धूप से जरूर चली जाएगी दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा थैंक यू।